स्कूल बस एवं ट्रैक्टर ट्रॉली में हुई जबरदस्त भिड़ंत। शैंपू क्षेत्र के सालेपुर बाईपास की घटना। गनीमत रही, स्कूली बस में नहीं थे बच्चे। धौलपुर जिले के शैंपू क्षेत्र में नेशनल हाईवे 123 पर सालेपुर बाईपास पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर और स्कूल बस में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस दरमियान ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क किनारे पलट गई। बताया जा रहा है कि जीएस आदर्श विद्या मंदिर की बस स्कूल से छुट्टी होने के बाद विद्यार्थियों को घर छोड़कर लुतपुरा की ओर से हाईवे क्रॉस कर रही थी, तभी हाईवे पर भरतपुर मार्ग की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर से भिड़ंत हो गई। घटना के बाद आसपास के लोगों में अफरातफरी मच गई और मौके पर पहुंचकर मदद करने लगी। गनीमत रही कि बस खाली थी। इस दौरान बस का चालक सिर में चोट आने से घायल हो गया और उधर ट्रैक्टर ड्राइवर घटना के बाद मौके से फरार हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों ही वाहनों को हाईवे से हटाकर आवागमन को सुचारू करवाया। घटना में घायल हुए बस चालक रामनिवास बघेल को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने बताया कि ट्रैक्टर चालक की तलाश की जा रही है।